हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑन गूगल सर्च कॉन्सोल। इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि कैसे जो है गूगल सर्च कॉन्सोल और वेबसाइट को कनेक्ट किया जाता है, और व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स टू कनेक्ट द गूगल सर्च कॉन्सोल डैशबोर्ड विद द वेबसाइट। और दो अलग यहाँ पे जो है दो डिफरेंट मेथड्स हैं। वैसे कि बहुत सारे मेथड्स होते हैं गूगल सर्च कॉन्सोल को कनेक्ट करने के लिए, बट यहाँ पे आइडियल टू मेथड्स मैं बताऊँगा और उसका डिफरेंस भी बताऊंगा, कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए आपको और कौन सा मेथड नहीं यूज़ करना चाहिए। वैसे तो सारे के सारे मेथड्स यूज़फुल ही होते हैं वैसे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, गूगल सर्च कंसोल को वेबसाइट के कनेक्ट करने से पहले, गूगल सर्च कंसोल को कनेक्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि उसके जो डिफरेंट मेथड्स हैं उसको थोड़ा सा एक पीपीटी ओवरव्यू में हम लोग देख लेते हैं, देन आगे चल के हम लोग डायरेक्टली जो वेबसाइट को कनेक्ट कैसे करना है वो सारी चीज़ें देखेंगे। सो हाउ टू क्रिएट अ गूगल सर्च कॉन्सोल अकाउंट। पहली बार अगर हम लोग गूगल सर्च कॉन्सोल पे अकाउंट क्रिएट करने जा रहे हैं तो कैसे क्रिएट करना चाहिए। विजिट द गूगल सर्च कॉन्सोल वेबसाइट एंड साइन इन विथ योर गूगल अकाउंट। ओके, फर्स्ट स्टेप है, जस्ट आपको टाइप करना है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे टाइप कर लेंगे गूगल सर्च कॉन्सोल, जो भी फर्स्ट लिंक दिखेगी आपको यहाँ पे आपको क्लिक करना है या साइन इन करना है। ठीक है, इसी यहाँ पे मेरा एक डैशबोर्ड ओपन है गूगल सर्च कॉन्सोल का, मैं दूसरे वेबसाइट के लिए। साइमल्टेनियसली हम लोग इसका भी ओवरव्यू देख लेते हैं साइड बाय साइड। इसी यहाँ पे आपको स्टार्ट नाउट का एक बटन दिखेगा, तो यहाँ पे जस्ट आपको क्लिक करना होगा। और यहाँ पे मेरी एक वेबसाइट ऑलरेडी कनेक्टेड है, बट अगर आपको यहाँ पे जो है दूसरी वेबसाइट अगर कनेक्ट करनी है तो आपको यहाँ पे सिंपली आना है यहाँ पे और ऐड प्रॉपर्टी के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। वैसे फर्स्ट टाइम जब आप कनेक्ट करने जा रहे हो वेबसाइट तो इस तरीके का डैशबोर्ड नहीं मिलेगा आपको, डायरेक्टली इस तरीके का एक जो है पॉपअप ओपन होगा। यहाँ पे दो मेथड्स है, एक डोमेन प्रीफिक्स मेथड और यूआरएल प्रीफिक्स मेथड। तो दो मेथड्स क्यों है, इसका क्या यूजेस है, अलग अलग स्टेजेस में इसका एक इंपॉर्टेंस है, बट इसको हम लोग पहले जान लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों प्रॉपर्टीज सिलेक्शंस में डिफरेंट है। डोमेन भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, यूआरएल प्रीफिक्स मेथड भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, पर यहाँ पर आपको जो है समझना पड़ेगा कि कौन सा मेथड आपके लिए सुटेबल है। ठीक है, वैसे तो दोनों मेथड सुटेबल है। ओके, यहाँ पर आपको एक वेबसाइट वेरिफिकेशन के लिए कोड मिलेगा और वो कोड आपको लगाना है, जिस मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। वहाँ पे वेरिफिकेशन, वेरीफाइंग वेबसाइट ओनरशिप, दो मेथड्स है, एक डोमेन वेरिफिकेशन मेथड, एक टीएक्सटी रिकॉर्ड आपको डीएनएस सेटिंग्स में डालना है जो कि आपका सर्वर होता है। ठीक है, देन एचटीएमएल फाइल भी अपलोड कर सकते हो आप अपने रूट फोल्डर्स में, जैसे सी पैनल है या फिर होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं उनका जो कंट्रोल पैनल होता है वहाँ पर भी आपको रूट फोल्डर्स जो है रूट फोल्डर्स में वो एक एचटीएमएल फाइल अपलोड करनी होती है। देन मेटा टैग वेरिफिकेशन, ऐड मेटा टैग टू योर वेबसाइट्स हेडर कोड। ठीक है, आपकी वेबसाइट के हेड सेक्शन में, हेडर सेक्शन में आपको वो जो है मेटा टैग आपको डालना होता है। तो देन ये तीनों मेथड्स जो है अप्रोप्रिएट है, यूजफुल है। कोई भी जो है मेथड आप यूज़ कर सकते हो वेबसाइट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं आने वाले वीडियोस में कि कौन से मेथड्स से हम लोग यूज़ करने वाले हैं वेबसाइट वेरिफिकेशन मेथड। ठीक है, सो इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिफिकेशन फॉर एक्यूरेट डेटा कलेक्शन, एनश्योर योर एनश्योर यू रिसीव डेटा स्पेसिफिक टू योर वेबसाइट, अलाउज यू टू मेक इन्फॉर्म डिसीजंस अबाउट एसईओ एफर्ट्स। तो यहाँ पे आपको जब वेरिफिकेशन आप करेंगे वेबसाइट को, तो आपका डेटा जो है किस तरीके से आ रहा है, आपको फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको जो है ऑप्टिमाइज करने के लिए जो है गाइडलाइंस यहाँ पे मिलती रहेगी। बट यहाँ पर जब हमने यहाँ पे जस्ट सेकंड, यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं कि वेबसाइट को कनेक्ट करना है हमारे गूगल सर्च कॉन्सोल के अकाउंट से, तो सॉरी गूगल सर्च कॉन्सोल अकाउंट क्रिएट करना है हमारे वेबसाइट के लिए, तो यहाँ पर एक दो मेथड्स है, डोमेन प्रीफिक्स मेथड और यूआरएल प्रीफिक्स मेथड। तो सबसे पहले आपको आपका जो डोमेन है यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा, मतलब जैसे मेरे पास एक डोमेन है तो मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये वेबसाइट को हम लोग जो है कनेक्ट कर रहे हैं गूगल सर्च कॉन्सोल अकाउंट्स के साथ, मतलब गूगल सर्च कॉन्सोल अकाउंट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एंटर डोमेन सिर्फ एचटीटीपीएस निकालना पड़ेगा,
यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे एक यू आर एल प्रीफिक्स मेथड, यहाँ पे मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो इस तरीके का एक कोड मिल रहा है आपको, टेक्स्ट रिकॉर्ड भी मिल रहा है आपको, देन ये जो है डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन टीएसटी, ये जो है हम लोग अपने रूट डोमेन्स में डाल सकते हैं। देन यहाँ पे और एक नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पे जो है एक एचटीएमएल फाइल भी मिलता है, तो वो फाइल हम लोग अभी नहीं देखने वाले। और एक दूसरा मेथड है यहाँ पे, मैं आपको एक यहाँ पर एक फिर से वो यूआरएल प्रीफिक्स मेथड बताता हूँ। ये भी एक मेथड है जहाँ पर आप अपनी वेबसाइट को कनेक्ट कर सकते हो गूगल सर्च कंसोल से। तो यहाँ पर यह देखिए, यहाँ पे ये डाउनलोड फाइल है, ये एक एचटीएमएल फाइल है, देन ये डायरेक्टली हमको अपलोड करनी होती है। और यहाँ पे मेटा टैग भी है एचटीएमएल का, ठीक है, ये वाला मेटा टैग, इसको कॉपी करके यहाँ पे बोला गया है कॉपी द मेटा टैग बिलो एंड पेस्ट इट इन टू योर वेबसाइट्स होम पेज, ठीक है, ये हमको पेस्ट करना है हेड सेक्शन में मोबाइल के। देन गूगल एनालिटिक्स के भी थ्रू हम लोग ये जो है गूगल टैग मैनेजर के थ्रू, डोमेन सर्विस डोमेन नेम प्रोवाइडर के थ्रू, मतलब जैसे आप गोडैडी या फिर जो भी जहाँ से भी आप परचेस किए हो डोमेन, वहाँ से भी आप कर सकते हो। बट ये सारे मेथड्स यूज़ करने से पहले मैं आपको इसका डिफरेंस बताता हूँ, क्यों ऐसा जो है दिया गया है दो दो मेथड्स, ठीक है। सो डोमेन प्रॉपर्टी जो है ये अगर आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, या फिर आप अगर यूआरएल प्रीफिक्स मेथड यूज़ करते हो तो उसका ड्रॉबैक्स बेनिफिट्स या जो है जो भी चीज़ें हैं वो मतलब क्यों है, ऐसा हम लोग इसका डिफरेंस देख लेते पहले। सो डोमेन प्रॉपर्टी के साथ अगर आप जाते हो मतलब वेबसाइट के लिए गूगल सर्च कंसोल अकाउंट क्रिएट करते हो, तो इट ट्रैक्स डेटा फॉर योर एंटायर डोमेन इंक्लूडिंग ऑल द सब डोमेन्स एंड फोल्डर्स। जैसे कि आप अगर डोमेन प्रॉपर्टी के साथ, जैसे यहाँ पे देखिए एडिंग द प्रॉपर्टी फुल डोमेन, पूरा डोमेन जो है उसका जो आपको जो है डेटा आपको मिलेगा इंक्लूडिंग ऑल सब डोमेन्स, अगर आप सब डोमेन्स क्रिएट करते हो इन फ्यूचर या कोई उसमें अलग अलग फोल्डर्स होते हैं, तो सारा का सारा डेटा जो है वो डोमेन प्रॉपर्टी के थ्रू आपको गूगल सर्च कंसोल के अकाउंट में मिलेगा। इसके बेनिफिट्स क्या हैं फिर, सिंपलर सेटअप एंड वेरीफिकेशन, ये जो है ईजी सेटअप है, वेरीफिकेशन मेथड भी ईजी है, यूआरएल प्रीफिक्स मेथड का भी बहुत सिंपल है, ठीक है। देन सेव्स यू फ्रॉम एडिंग ईच सब डोमेन एंड फोल्डर इंडिविजुअली, अगर आपके इन फ्यूचर सब डोमेन्स बनाते हैं, अलग वेबसाइट्स बनाते हैं, तो अलग जो है अकाउंट्स क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ सारा सारा डाटा आपके सभी सब डोमेन्स का वहाँ पर आपको मिलता है लर्न करने के लिए, देखने के लिए। देन इट इज़ अ सेंट्रलाइज डेटा सिस्टम, व्यू परफॉर्मेंस स्टैटिस्टिक्स फॉर योर एंटायर साइट इन वन प्लेस, जैसे कि मैंने बोला पूरी साइट्स के लिए जो परफॉर्मेंस स्टैटिस्टिक्स से डेटा है वो एक ही जगह पे आपको सेंट्रलाइज डेटा मिलेगा, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ या अलग अलग अकाउंट्स क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। देन एसईओ इंसाइट्स, गेन इंसाइट्स इनटू बैकलिंक मोबाइल यूजेबिलिटी एंड सर्च क्वेरीज फॉर ऑल पेजेस, एवरी पेज जो ईच एंड एवरी पेज जो है आप क्रिएट करोगे उसका एसईओ इंसाइट्स आपको मिलेगा इस मेथड में। बट इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, क्या ड्रॉबैक्स है देख लेते हैं। मे नॉट बी आइडियल फॉर सब डोमेन्स विद सेपरेट पर्पजेस, अगर आप सिर्फ ब्लॉगिंग पर्पज़ के लिए या अलग कोई आपका पर्पज़ है जैसे लैंडिंग पेज का वगैरह, तो ये उसके लिए डेटा आपको कलेक्ट करके नहीं देगा, उसके लिए आपको यूआरएल प्रीफिक्स मेथड जो है यूज़ करना पड़ेगा। सो दैट इट दिस प्रोसेस इज़ नॉट आइडियल फॉर सब डोमेन्स फॉर द सेपरेट पर्पजेस। ओके, इफ़ यू हैव सब डोमेन्स विद डिस्टिंक्ट ओनरशिप और कॉन्टेंट, सेपरेट प्रॉपर्टीज ऑफर बीटा डेटा आइसोलेशन, तो इसके लिए आपको अलग से यूआरएल प्रीफिक्स मेथड यूज़ करना पड़ेगा। सो दिस इज नॉट आइडियल फॉर सेपरेट पर्पज। लेस ग्रैनुलर डेटा कंट्रोल, यू कैन नॉट इंडिविजुअली मॉनिटर स्पेसिफिक सेक्शंस ऑफ योर साइट, अगर आपको किसी स्पेसिफिक सेक्शन है आपके वेबसाइट का जैसे ब्लॉग सेक्शन है, तो आप उसका डेटा जो है इंडिविजुअली मॉनिटर नहीं कर सकते, तो ये ड्रॉबैक है डोमेन प्रॉपर्टी के साथ अगर आप चाहते हो तो। यू आर एल प्रीफिक्स मेथड का एक जो है इसके भी बेनिफिट्स हम लोग देख सकते हैं, ट्रैक्स डेटा फॉर अ स्पेसिफिक सेट ऑफ यू आर एल स्टार्टिंग विथ अ कॉमन प्रीफिक्स, जैसे कि ये वेबसाइट है ब्लॉग डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम, जैसे एक स्पेसिफिक लैंडिंग पेज है, स्पेसिफिक कोई अलग सब डोमेन से रिलेटेड आप एक वेबसाइट बना रहे हो, तो उसका जो है स्पेसिफिक जो है अलग से आपको डेटा मिलेगा, परफॉर्मेंस मिलेगा, एनालिटिक्स मिलेगा। सो इसका बेनिफिट क्या है, ग्रैनुलर डेटा कंट्रोल, मॉनिटर परफॉर्मेंस ऑफ स्पेसिफिक सेक्शंस ऑफ योर साइट लाइक ब्लॉग और नॉलेज बेस, जो भी वेबसाइट है या ब्लॉग पर्पज़ के लिए, लैंडिंग पेज के लिए या
अदर रिलेटेड जो भी बिजनेस रिलेटेड वेबसाइट्स हैं तो वो आप बना सकते हो, और उसका ग्रेनुलर डेटा मतलब स्मॉल स्मॉल जो है परफॉर्मेंस रिपोर्ट आप जो ईच एंड एवरी पेज के लिए, ईच एंड एवरी ब्लॉग आर्टिकल के लिए आप देख सकते हो। इजियर ट्रबल शूटिंग आइसोलेट इश्यूज इंपैक्टिंग सर्टेन यूआरएल ग्रुप्स, ट्रबल शूट करने के लिए डेटा सॉरी जो भी प्रॉब्लम्स या क्वेरीज आती हैं वो इजीली आप इसमें कर सकते हो। देन यूजफुल फॉर वेबसाइट्स विद डायनामिक कंटेंट, ट्रैक डिफरेंट कंटेंट जनरेटेड अंडर द सेम प्रीफिक्स। यूजफुल फॉर वेबसाइट्स विद डायनामिक कंटेंट जो है कंटेंट जनरेटेड जो जो डेटा होता है उसका जो है आपको अच्छे से आपको ट्रैक करने के लिए मिलेगा यहाँ पे। देन ड्रॉबैक्स क्या है ये भी देख लेते हैं। मोर सेटअप एंड वेरिफिकेशन स्टेप्स, मोर सेटअप एंड वेरिफिकेशन स्टेप्स रिक्वायर वेरिफिकेशन फॉर ईच सब डोमेन और फोल्डर अंडर द प्रीफिक्स। पोटेंशियली फ्रेगमेंटेड डेटा, यू नीड टू कंबाइन डेटा फ्रॉम मल्टीपल प्रॉपर्टीज फॉर अ कंप्लीट पिक्चर, मे नॉट बी नेसेसरी फॉर बेसिक वेबसाइट्स ओवरऑल। इफ यू हैव अ स्मॉल स्टैटिक वेबसाइट विथ सेपरेट सेक्शंस, मे नॉट बी नेसेसरी फॉर बेसिक वेबसाइट्स। ओके सो ये कुछ ड्रॉबैक्स और बेनिफिट्स है यूआरएल प्रीफिक्स मेथड और डोमेन प्रॉपर्टी मेथड्स के। सो विच इज द राइट मेथड फॉर गूगल सर्च कंसोल अकाउंट क्रिएशन। सो कंसिडर दीज फैक्टर्स, वेबसाइट स्ट्रक्चर, आपका वेबसाइट स्ट्रक्चर कैसा है, डू यू हैव सेपरेट सब डोमेन्स और सब सेक्शन विद डिस्टिंक्ट कंटेंट, ये आपको तय करना है। देन डेटा कंट्रोल नीड्स, आपको कौन से डेटा आपको चाहिए, डू यू नीड आइसोलेट परफॉर्मेंस ऑफ स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ योर वेबसाइट और सम अदर थिंग्स, तो ये आपको परफॉर्मेंस आपको किस तरीके का डेटा चाहिए इस हिसाब से आपको सोचना है कि कौन से मेथड के साथ जाना है। ईजी सेटअप एंड मैनेजमेंट, आपको हाउ मच टाइम एंड एफर्ट यू वॉन्ट टू डेडिकेट फॉर द वेरिफिकेशन मेथड, इजी सेटअप मैनेजमेंट, ये भी आपको तय करना है। मैं नहीं बताऊंगा कि कौन सा मेथड परफेक्ट है, ये आपके ऊपर डिपेंड, मैं यहाँ पे फैक्टर्स बता रहा हूँ। वेबसाइट साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, इज योर वेबसाइट इज लार्ज और डायनामिक और स्मॉल और स्टैटिक, ये आपको डिसाइड करना है कि आपकी वेबसाइट की नीड के हिसाब से आपको कौन सा मेथड सिलेक्ट करना है। जनरल रिकमेंडेशंस मेरी तरफ से, स्टार्ट विद द डोमेन प्रॉपर्टी, दिस इज द इजियर ऑप्शंस एंड कवर्स योर एंटायर वेबसाइट। यू आर फ्रिक्स प्रॉपर्टीज के लिए आपको यू नीड ग्रैनुलर, इफ यू नीड ग्रैनुलर डेटा फॉर स्पेसिफिक सेक्शंस, वेबसाइट्स विद डायनामिक कंटेंट अंडर कॉमन प्रीफिक्स मेथड, फॉर सब डोमेन्स विद डिफरेंट ओनरशिप और पर्पजेस। तो ये जो है मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है, विच मेथड्स आर यूज फॉर डोमेन वेर सॉरी गूगल सर्च कॉन्सोल अकाउंट क्रिएशन, तो ये आपकी नीड और रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट मेथड में सॉरी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसको कनेक्ट करना है वेबसाइट और गूगल सर्च कॉन्सोल अकाउंट क्रिएट करना है तो कौन सा मेथड हम लोग यूज़ करने वाले हैं, अगर आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट है या स्टैटिक वेबसाइट है, दोनों मेथड से हम लोग देखेंगे। ओके सो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए। ओके अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो भी आप देख सकते हैं इस प्लेलिस्ट में, एसईओ ट्यूटोरियल फॉर 2024। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। थैंक यू।